स्टार न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। लॉकडाउन के दौरान जहां नगर की बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएं अभी तक जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए आगे नहीं पहुंच रही हैं, वहीं ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर कुछ जिंदा दिल सेवा भावी इंसान लगातार गरीब व जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक उदाहरण नगर में देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व पार्षद आबिद अंसारी और उनकी पत्नी पूर्व पार्षद खैरुन्निसा अंसारी द्वारा लॉकडाउन के दौरान लगातार 24वें दिन मोहल्ले पड़ोस सहित अन्य जगह पर जरूरतमंदों को निशुल्क सब्जी व दूध का वितरण घर घर जाकर किया जा रहा है। पूर्व पार्षद आबिद अंसारी प्रतिदिन सुबह थोक सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर लाते हैं, जहां घर पर उनकी पत्नी सब्जियों को धोकर थैलियों में पैक कर सेवा के इस पुण्य कार्य में अपना हाथ बटाती हैं। सब्जियों की थैलियों को घर घर जाकर जरूरतमंद व गरीब लोगों तक पूर्व पार्षद आबिद अंसारी द्वारा पहुंचाया जाता है। वहीं प्रत्येक सब्जी की थैली के साथ दूध की थैली भी दी जा रही है। दोनों पति पत्नी का कहना है कि मुसीबत के समय जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। अंसारी दंपति द्वारा लॉकडाउन के दौरान की जा रही सेवा मदद की सभी के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मी लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे में उनके जज्बे को सलाम करते हुए समाज सेवी बल्लभ खंडेलवाल और ललित आमेरिया द्वारा भी लगातार 24 दिनों से सीसवाली चौराहा, सीएडी चौराहा, पुलिस चौकी एवं पुलिस थाना अंता में तैनात पुलिस कर्मियों को चाय पिलाकर उनकी सेवा की जा रही है। साथ ही उनका उत्साह भी बढ़ाया जा रहा है। इस कार्य में बल्लभ खंडेलवाल की पत्नी समाज सेविका सुरभि खंडेलवाल भी पूरी मदद कर रही हैं। ऐसे ही समाज सेवी ओम गोचर, हाफिज मोहम्मद लुकमान, हाजी अब्दुल रशीद असभाई, समाज सेवी मोहम्मद रजाक, नगरपालिका उपाध्यक्ष रामराज बागड़ी द्वारा भी अपने स्तर पर प्रशासन के सहयोग से जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। जब से लोग डाउन लगाए, जब से लोगों को हमें और मेरे पति दूध और सब्जियाँ बांट रहे हैं, सभी जातियों को दे रहे हैं, हम तो हमारे कोई भी मेरा खेल हम दिल में मतलब नहीं कोई वो बान वाली बात और ऊपर वाला पाप और रिगाइस कुरानों को जल्दी से भी जल्दी दफा दफा करे पाप और रिगा, यही दुआ है हमारी। जब से स्टार्ट हुआ है, जब से हम बिना भेदभाव के किसी भी धर्म जाति को नहीं देखते हुए सबकी दूध और सब्जी से सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं। 23-24 दिनों में बराबर सबको दूध और सब्जी वितरण करते रहते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना खत्म हो ताकि सबके काम धंधे चले। उसके लॉकडाउन के संक्रमण काल में अंतर क्षेत्र के बमशा गरीब लोगों की निरंतर सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन इस समय ये तथ्य बिल्कुल सही है कि कोरोना योद्धा के रूप में पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग दोनों भगवान बनकर हमारी निरंतर रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। हम इन्हीं योद्धा रूपी पुलिस कर्मियों की चाय पिलाकर पिछले 22-23 दिनों से इनकी छोटी सी सेवा करते आ रहे हैं और जहां तक ये विषम परिस्थिति रहेगी हम ये सेवा लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि आज के इस विषम समय में ये प्रशासन की एक ऐसी टीम है जो सुबह से लेकर रात तक कोरोना रूपी जंग से लड़ने के लिए निरंतर सजग करती है। हमें इनकी सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्नता है, साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस प्रशासन को जिनके प्रयास से हमें आज की परिस्थिति से लड़ने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।